मेरे वालिदैन ने मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा की कि मैं नेक बन जाऊँ और मदरसा पढ़ूँ, इल्म दीन हासिल करूँ और मुझसे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मेरे वालिदैन ने मुझे मदरसे में दाखिला करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसा भी पढ़ता रहा, मगर जिस तरह मुझे फ़ायदा हासिल होना था उस तरह ना हासिल हो सका। एक मरतबा मैंने मदरसे में पढ़ने के दौरान चंद इस्लामी भाइयों को दामामा शरीफ पहने हुए देखा तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी ऐसा बनूं। अल्लाह तबारक तआला मुझे भी हर वक्त सर पर अमामा पहनने की तौफीक दे। तो मैं हर वक्त मदरसे के पढ़ने के दौरान जो है दुआ किया करता था, ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल मुझे भी अमामा शरीफ पहनने की तौफीक दे और हर वक्त जो एक मदनी माहौल से मैं वाबिस्ता हो जाऊँ। तो उस दौरान शहर मैसूर में दावत इस्लामी का मदनी माहौल था और यहाँ पर आया तो इस्लामी भाइयों को देख कर मैं मदनी माहौल से जो वाबिस्ता हैं उनको देख कर मैं बहुत मुतासिर हुआ और सिर्फ एक जो अमामा शरीफ पहनते थे उनको देखने के लिए मैं कई कई दूर जाया करता था, उनसे मुलाकात करने के लिए दूर दूर जाया करता था। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मदनी माहौल में वाबिस्ता हो गया। दावत इस्लामी के मदनी काफिले में मैं भी सफ़र किया। मदनी काफिले में सफ़र करने के बाद फिर घर तशरीफ़ लाया तो मेरे वालिदैन ने अमामा शरीफ देखकर एक हंसी मजाक अपने घर में होने लगी कि क्या तू मुजावर हो गया है या किसी मजार शरीफ का जिम्मेदार हो गया है, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। तो मैं अपने वालिदैन को समझाता रहा, अपने घर वालों को समझाता रहा, मगर वो ना समझते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं भी दुआ किया करता था, मेरे परवरदिगार जिस तरह मुझे मदनी माहौल तो अता किया है, हमारे घर वालों की भी समझ में डाल दे कि मदनी माहौल क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ोजल का करम हुआ कि मदनी माहौल से वो भी खुश हो गए, वो भी जानने लगे मदनी माहौल क्या है, मेरी पहले की गलतियां क्या थी और आखिर में मतलब मदनी माहौल में आने के बाद मेरे तासुरात कैसे थे, हमारे घर वालों को भी समझ में आने लगा। तो वो खामोश हो गए, यानी मामा शरीफ से जो रोकते थे वो भी रोकना बंद कर दिया और कहने लगे अगरचे तू वाकई दीन का काम करना चाहता है तो तुझे हम लोग जो है कुल्ली इख्तियारात देते हैं, तू दीन का काम कर। तो फिर एक मरतबा मैं यहाँ से मैसूर शहर से बॉम्बे तशरीफ ले गया, यानी काफिले के साथ गया। तो वहाँ पर सुन्नतों भरा इज्तमा, तीन रोज़ा सुन्नतों भरा इज्तमा था। वहाँ पर बाबुल मदीना से एक मदनी काफिला आया हुआ था, उसमें मजलिस शूरा और निगरानी शूरा भी आए हुए थे। वहाँ पर मेरा नाम तावीज़ात के लिए दिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ पर तावीज़ात के लिए मुझे मेरा नाम इस्तखारा में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैसूर शहर में तावीज़ात से अत्तारिया की जिम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ। कर दो मुझे इस्लाम।